जो मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तोहीन की, जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी ना करें, और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकलें और बगावत करें इस निजाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निजाम में पिस जाएंगे। आज इमरान खान तहरीक इंसाफ आपके हकूक के लिए खड़ी है, हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खतखड़ियां हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। हम इनके साथ हम इंशाल्लाह ताला आजमाइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये आवाम का फर्ज है कि वो निकलें और इस निजाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें। जो मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तोहीन की, जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी ना करें, और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकलें और बगावत करें इस निजाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निजाम में पिस जाएंगे। आज इमरान खान तहरीक इंसाफ आपके हकूक के लिए खड़ी है, हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खतखड़ियां हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। हम इनके साथ हम इंशाल्लाह ताला आजमाइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये आवाम का फर्ज है कि वो निकलें और इस निजाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें। जो मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तोहीन की, जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी ना करें, और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकलें और बगावत करें इस निजाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निजाम में पिस जाएंगे। आज इमरान खान तहरीक इंसाफ आपके हकूक के लिए खड़ी है, हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खतखड़ियां हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। हम इनके साथ हम इंशाल्लाह ताला आजमाइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये आवाम का फर्ज है कि वो निकलें और इस निजाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें। लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल न्यूज़ लाइन 1।